जरा सोचो, एक इंसान के पास ऐसी ताकत आ जाए कि वो जिस भी चीज को छू दे वो पल भर में राख हो जाए। मेरा नाम है विशाल, अनोखी फिल्म्स में आपका स्वागत है और चलिए सुनते हैं हमारी आज की कहानी। कहानी की शुरुआत होती है नॉर्वे के एक जंगल में, जहां एरिक नाम का एक अमेरिकन आदमी अकेले छिपकर रह रहा था। उसके पास ना तो पैसे थे और ना ही खाना। असल में वो नॉर्वे में अपने परिवार को ढूंढता हुआ आया था, लेकिन अफसोस अब तक किसी का पता नहीं चल पाया। एक रात एरिक ने एक भयंकर सपना देखा, जिसमें उसके तंबू के बाहर के सारे पेड़ जलकर राख हो गए और उसी वक्त उसकी आंख खुल गई। वो नहीं जानता था कि यह सब कैसे हुआ, लेकिन उसे ऐसे सपने अक्सर आया करते थे, इसलिए उसने इतना ध्यान नहीं दिया। फिर एक दिन एरिक ने जंगल से बाहर निकलने का फैसला किया, ताकि वो अपनी जली हुई टांग के लिए दवाई ढूंढ सके। इसी तरह चलते चलते वो दवाई चुराने के लिए क्लिनिक में घुस गया। फिर उसने बाथरूम में अपने जख्मों पर मरहम लगाई और अपने बाल और दाढ़ी काट कर तुरंत वहाँ से बाहर निकल गया। लेकिन जब वो जंगल के रास्ते पर था, तो बीच में कुछ शरारती लड़कों ने मिलकर उसे परेशान करना शुरू कर दिया। फिर ओले नाम के एक लड़के ने एरिक को जोर से धक्का दिया, जिससे एरिक को काफी गुस्सा आ गया। उसने ओले को चेतावनी देते हुए कहा कि अगर उसने एरिक को छुआ भी तो यहीं जल जाएगा। लेकिन ओले ने इस पर ध्यान नहीं दिया और एरिक का कॉलर पकड़ लिया, लेकिन उसी पल वो नीचे गिर पड़ा और उसकी मौके पर ही मौत हो गई। इस घटना के कुछ ही समय बाद पुलिस ने एरिक को ओले के खून के इल्जाम में गिरफ्तार कर लिया। फिर पूछताछ करने पर जब एरिक ने मुंह नहीं खोला, तो उन्होंने क्रिस्टीन नाम की एक साइकोलॉजिस्ट को उससे बात करने के लिए बुलाया। आखिरकार एरिक ने उसे बताया कि उसने ओले को नहीं मारा, बल्कि उसने तो ओले को पीछे हटने के लिए चेतावनी भी दी थी, और फिर जो कुछ भी हुआ वो उसके कंट्रोल में नहीं था। उस वक्त ये सारी बातें हेनरिक नाम का एक पुलिस वाला दूसरे कमरे से सुन रहा था, और उसे तो इस अजीब से अमेरिकन आदमी की बातों पर बिल्कुल विश्वास नहीं था। पर क्रिस्टीन ने और बातचीत करके पता लगाया कि 3 साल पहले भी एरिक की वजह से एक खेत में आग लग गई थी, जिसमें करीब 5 लोग मारे गए थे। एरिक ने उसे ये भी बताया कि उसकी कई पुश्तें नॉर्वे में ही रहती थी। फिर क्रिस्टीन ने उसकी हथकड़ियां खोली, ताकि एरिक उस पर भरोसा करके सच बता सके, और फिर ये खुलासा हुआ कि उस आग में मरे 5 लोग एरिक के ही रिश्तेदार थे। जब उसने अपने रिश्तेदारों का नाम सुना, तो उसे बेहद दुख और पछतावा हुआ, और आखिरकार दुखी होकर उसने कबूल कर ही लिया कि उसी ने अपने रिश्तेदारों और ओले की जान ली है। फिर जब वो असलियत बताने लगा, तो अचानक क्रिस्टीन के बाल अपने आप हवा में उड़ने लगे, और तब एरिक ने अपनी शक्तियों से एक ग्लास से पानी उड़ाकर दिखाया। लेकिन हमेशा की तरह वो अपनी शक्तियों पर काबू नहीं रख पाया, और कुछ ही पलों में पूरी बिल्डिंग में बिजली कड़कने से आग लग गई। क्रिस्टीन समझ गई थी कि एरिक की भावनाओं से ही उसकी शक्तियां चलती हैं, इसलिए उसने तुरंत एरिक को शांत करके अपनी शक्तियों पर काबू पाने को कहा। खैर, जल्द ही US एम्बेसी के ऑफिसर्स एरिक को अमेरिका वापस ले जाने आ गए। उनमें से हैथवे नाम के ऑफिसर ने एरिक की जानकारी निकालने की कोशिश की, लेकिन एरिक ने क्रिस्टीन के अलावा किसी और से बात करने से साफ इनकार कर दिया। फिर उसने हैथवे से कहा कि उसे हेलीकॉप्टर में ले जाने से पहले नशे के इंजेक्शन से बेहोश कर दे, लेकिन रास्ते में ही इंजेक्शन का असर खत्म हो गया और उसने देखा कि वो लोग उसे बांध कर ले जा रहे थे। इस बात पर एरिक को बहुत गुस्सा आ गया और वो छूटने की कोशिश करने लगा। उसी वक्त अचानक आसमान में काले बादल छा गए। जितनी वो छूटने की कोशिश करता, उतना ही मौसम बिगड़ने लगता, और जल्द ही भयंकर तूफान शुरू हो गया। इसी वजह से उनका हेलीकॉप्टर संतुलन खोकर समुद्र में जा गिरा। तब जाकर एरिक को एहसास हुआ कि वो तो पानी में भी सांस ले सकता है। आखिरकार वो गुस्सा छोड़कर हैथवे को खींचकर किनारे तक ले आया और उसकी जान बचाई, लेकिन उसके उठने से पहले ही वो वहां से भाग निकला। उधर जब ओले के पिता जॉन को ये खबर मिली कि एरिक का हेलीकॉप्टर क्रैश हो गया है और वो फिर भी बच निकला, तो जॉन ने तुरंत पुलिस को उसे पकड़ने को कहा। जॉन के मन में अपने बेटे की मौत के बदले की आग जल रही थी, इसीलिए उसने खुद एरिक को मारने का फैसला किया। दूसरी ओर एरिक भागकर किसी तरह क्रिस्टीन तक जा पहुंचा और उससे मदद मांगी। क्रिस्टीन को भी एरिक की हालत पर दया आ गई और वो एरिक को लेकर एक दोस्त के घर पर गई। तब जाकर एरिक ने उसे शुरुआत से बताया कि कैसे एक दिन उसके अंदर से ऐसी जादुई शक्तियां निकली जिससे उसके चारों ओर आग लग गई, और वो खुद पर काबू नहीं कर पाया तो कई सारे लोगों की जान चली गई। फिर उसने अपने शरीर के सारे जख्म दिखाए और कहा कि जब जब वो अपनी शक्ति का इस्तेमाल करता है, तो उसके शरीर पर भी चोट लगती है। अपनी शक्तियों की वजह से वो जितना हो सके उतना लोगों से दूर रहता है।
ताकि किसी को भी उसकी वजह से नुकसान न पहुंचे। इसके बाद वो सो गया और तब क्रिस्टीन ने देखा कि उसके आसपास के पेड़ पौधे काफी तेजी से बढ़ रहे थे। उधर हैथवे भी किसी तरह एक हॉस्पिटल तक पहुंची और उसने पुलिस को बताया कि एरिक के पास मौसम बदलने की भी शक्ति है और उसने जानबूझकर प्लेन क्रैश करवाया ताकि वो खुद बचकर निकल सके। वहीं दूसरी ओर क्रिस्टीन एरिक की शक्तियों के बारे में और गहराई से जानना चाहती थी, इसलिए उसने एरिक के साथ उसी खेत में जाने का फैसला किया जहाँ से ये सब शुरू हुआ था। उधर पुलिस ने एरिक और क्रिस्टीन को भगोड़े घोषित कर दिया, इसलिए उन्होंने कई सड़कों पर बैरियर्स लगाकर लोगों की जांच करनी शुरू कर दी थी। जब क्रिस्टीन ने ये देखा तो उसने गाड़ी दूसरे रास्ते पर घुमा दी, पर वहाँ एक ट्रक के सामने वो गाड़ी रोक नहीं पाई। अचानक एरिक भी काफी डर गया, जिससे उसमें से जोरदार बिजली की तरंगे निकलने लगी और उनकी गाड़ी वहीं खराब हो गई। खैर, इस सब के बावजूद उस भले ट्रक ड्राइवर ने उन दोनों को लिफ्ट दे दी। जल्द ही हैथवे और हेनरिक को सड़क पर क्रिस्टीन की गाड़ी मिल गई और वो समझ गए कि वो दोनों कहाँ जा रहे हैं। अब उन्होंने एरिक और क्रिस्टीन को हार्डेंजर ब्रिज पर पकड़ने का फैसला किया। जब एरिक और क्रिस्टीन ब्रिज पर पहुंचे तो उन्होंने देखा कि पुलिस पहले ही उनके सामने खड़ी थी। अब मजबूरन एरिक को अपने आप को पुलिस के हवाले करना पड़ा। वो ब्रिज के बीच में जाकर शांति से खड़ा हो गया, लेकिन तभी क्रिस्टीन ने उसे बचाने की कोशिश की तो एक पुलिस वाले ने उसे जख्मी कर दिया। ये देखकर एरिक आग बबूला हो उठा और ना चाहते हुए भी उसकी शक्तियों की वजह से एक जोरदार तूफान आ गया, लेकिन फिर क्रिस्टीन ने उसे किसी तरह शांत करते हुए खुद पर काबू रखने को कहा ताकि उसके आसपास किसी को भी नुकसान ना पहुंचे। अब एरिक ने सारी बिजली अपने आसपास इकट्ठा कर ली और आखिरकार वो बेहोश होकर गिर गया। इधर हेनरिक और बाकी सब लोग एरिक की इतनी शक्तियां देखकर एकदम हक्के बक्के रह गए। हेनरिक को एहसास हुआ कि शायद एरिक बुरा इंसान नहीं है, इसीलिए वो एरिक और क्रिस्टीन के पास आया और उन्हें हॉस्पिटल ले गया। उधर जब जॉन को खबर मिली कि एरिक हॉस्पिटल में है तो वो उसे मारने के लिए हॉस्पिटल की ओर निकल पड़ा। वहीं पूरे शहर में लोग कहने लगे कि एरिक थॉर का अवतार है, क्योंकि उसके अंदर भी थॉर की तरह ही बिजली पैदा करने की शक्ति है। खैर, हॉस्पिटल में डॉक्टर्स ने उसके कुछ टेस्ट करने का फैसला किया ताकि पता तो चले कि आखिर ये शक्तियां आई कहां से। लेकिन एरिक एक बार फिर घबरा गया और अचानक उसमें से बिजली की तरंगे निकली, जिससे सारी मशीनें एक पल में टूट गई। इसी वजह से वहां एक बच्चे का इलाज रुक गया और दिल का दौरा पड़ने से उसकी मौत हो गई। जब एरिक को पता चला तो उसे बहुत पछतावा हुआ और वो बिना समय गवाए उस बच्चे की मदद करने निकला, लेकिन बच्चे के कमरे तक पहुंचने से पहले ही जॉन ने उस पर बंदूक तान दी। वो अपने बेटे की मौत का बदला लेना चाहता था। ये सुनकर एरिक ने उससे माफी मांगी और कहा कि अगर उसे मारकर जॉन को शांति मिलेगी तो यही सही, लेकिन इस वक्त उस बच्चे को एरिक की मदद की जरूरत है। ये सुनकर न जाने कैसे जॉन का भी दिल पिघल गया और उसने एरिक को मारने का इरादा छोड़ दिया। अब एरिक तुरंत उस बच्चे के कमरे में पहुंचा और उसकी छाती पर हाथ रख दिया। फिर उसमें से एक ऐसी जादुई शक्ति निकली जिससे अचानक वो बच्चा फिर से जिंदा हो गया और उसकी सारी बीमारी भी ठीक हो गई। ये सब देखकर हेनरिक को तो यकीन हो गया कि एरिक एक बुरा इंसान हो ही नहीं सकता। अब उसने एरिक की मदद करके इस गुत्थी को सुलझाने का फैसला किया कि उसके अंदर ये शक्तियां आखिर आई कहां से। फिर वो एरिक और क्रिस्टीन को लेकर उसी खेत की ओर निकल पड़ा जहां एरिक के रिश्तेदार रहते थे। पर जैसे ही एरिक हॉस्पिटल से बाहर आया तो सैकड़ों की भीड़ में लोग उसकी एक झलक पाने को बेताब खड़े थे। वो सब उसे थॉर का अवतार समझकर उसके लिए तालियां बजाने लगे, लेकिन एरिक को डर था कि कहीं वो गलती से उनमें से किसी को नुकसान न पहुंचा दे। खैर, किसी तरह वो गाड़ी में बैठकर निकले और फिर हेनरिक ने क्रिस्टीन को नॉर्स देवताओं की एक किताब दी। उसमें लिखा था कि रैग्नारोक की मौत के बाद थॉर के बच्चे खेत में आकर रहने लगे थे और शायद ये वही खेत था जहां एरिक के रिश्तेदार रहते थे। अगर ये सच निकला तो इसका मतलब ये होगा कि एरिक ही तूफान के देवता थॉर का अवतार है। आखिरकार जब वो खेत में पहुंचे तो एरिक अचानक अपने घुटनों पर बैठ गया। तभी हेनरिक ने मजदूरों को बुलाकर वहां खुदाई करवाई, लेकिन वो नहीं जानते थे कि हैथवे ने अपनी फौज के साथ पूरे खेत को घेर रखा था। हैथवे ने अपने सैनिकों को आदेश दिया कि अगर एरिक कोई भी गड़बड़ करे तो उसी वक्त उसे गोली से उड़ा दें। खैर, खेत में काफी देर तक खुदाई चलती रही और आखिरकार उन्हें जमीन के नीचे काफी पुरानी गुफाएं मिली जिसमें नॉर्स देवताओं की कहानियां लिखी हुई थी। वहां लिखा था कि रैग्नारोक की मौत के बाद थॉर के वंशज धरती पर आकर बस गए और तब से लेकर अब तक वो धरती पर ही मौजूद हैं। इससे ये साफ हो गया कि एरिक भी थॉर का ही वंशज है। आखिरकार अब एरिक के गुफा के अंदर जाने का समय आ गया था जहां उसे थॉर का हथियार मिलेगा। फिर जब एरिक गुफा के बीच पहुंचा तो उसे एक बक्सा मिला जिसमें दस्ताने और बेल्ट थी और आखिरकार उसे थॉर का वो मशहूर हथौड़ा म्योनिर मिला।
जैसे ही एरिक ने ये तीनों चीजें पहनी तो अचानक आसमान में जोरदार बिजली कड़की, जिसे एरिक थॉर के हथौड़े से काबू कर सकता था। आखिरकार वो तूफान का देवता थॉर बन गया था। और फिर जैसे ही वो गुफा से बाहर निकला तो हजारों लोग बैरिकेड तोड़कर उसकी तरफ भागने लगे ताकि वो थॉर और उसके जादुई हथौड़े के दर्शन कर सके। सबसे पहले क्रिस्टीन भागती हुई उसके पास पहुंची, क्योंकि उसे इस बात की बेहद खुशी थी कि आखिरकार एरिक को अपना असली सच पता चल गया था। अब शहर के लोग भी एरिक को इज्जत भरी नजरों से देखने लगे थे। पर उसी समय हैथवे ने बाहर से एरिक को गोली मारने का आदेश दे दिया, लेकिन गोली सीधा जाकर क्रिस्टीन को लगी, जिससे उसकी मौके पर ही मौत हो गई। ये देखकर एरिक अपने गुस्से पर काबू नहीं रख पाया और उसने हथौड़े को जोर से घुमाना शुरू कर दिया, जिससे आसमान में इतनी जोरदार बिजली कड़की जिससे डरकर सभी लोग वहां से भागने लगे और कुछ लोगों की तो मौत भी हो गई। आखिरकार चारों ओर खबर फैल गई कि थॉर के वंशज धरती पर फिर से आ गए हैं और सरकार ने एरिक को आतंकवादी घोषित कर दिया। इससे पता चलता है कि इंसान के हालात ही उसे अच्छा या बुरा बनाते हैं। अब इस मूवी का कोई सेकंड पार्ट नहीं आया तो नेक्स्ट पार्ट मत करना कमेंट्स में, उसकी जगह ये वाली वीडियो देख लो।